क्या कर रहे है? वो मैं मेरे एक फेसबुक फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ। कौन है वो? अबे बताना। हाँ बता रहा हूँ, लेकिन तू किसी को बताना मत। हाँ नहीं बताऊंगा। वो फेसबुक फ्रेंड जो है वो एक लड़की है, तो इसलिए ही कर रहा था। तो कैसे हुई तुम्हारी फ्रेंडशिप? हमारी फ्रेंडशिप डे को हुई थी। मैंने उसे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट को डिलीट कर दी। तो मैंने फिर से उसे एक रिक्वेस्ट भेजी और इस बार उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी। फिर मैंने उसे हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश किया, उसने भी मुझे सेम टू यू कहा और हो गई हमारी फ्रेंडशिप। अब सिर्फ रिलेशनशिप रिक्वेस्ट भेजना बाकी है। तो कब भेजने वाला है रिलेशनशिप रिक्वेस्ट? अब रिलेशनशिप रिक्वेस्ट भेजने का कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हो? वो मैंने उसको पूछा था कि उसको कैसे लड़के पसंद है, मतलब उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए। तो अभी उसका रिप्लाई आया, उसने बोला कि हाइट बॉडी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर पे बाल पूरे होने चाहिए और प्रॉपर बियर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसको क्लीन शेप लुक बिल्कुल पसंद नहीं। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, लेकिन रिलेशनशिप रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले इस बियर्ड ने सब दी एंड कर दिया। साला ना गाड़ी है ना दाढ़ी है। बहुत मुश्किल से किसी लड़की से दोस्ती हुई है, लेकिन इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मुझे कैसे भी करके दाढ़ी उगानी होगी। अगर लोग सब्जियाँ उगा सकते हैं तो क्या मैं दाढ़ी नहीं उगा सकता? याद रख सुदीप, अगर चलाना चाहता है तो रिलेशनशिप की गाड़ी, तो पहले उगानी होगी तुझे दाढ़ी। How to grow beard? क्या आपका भी हो गया है बुरा हाल क्योंकि आपके गाल में नहीं है एक भी बाल? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपके हिप्स में भी बाल आ जाएंगे। टिप नंबर वन, आप एक रेजर लीजिए और उससे अपना गाल घिसना शुरू करिए। उसके बाद आप पूरी बॉडी को रेजर से घिसना शुरू करिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के सारे बाल आपके गाल में आ जाएंगे। टिप नंबर टू, आप अपने पापा से जाके पूछिए कि उनको किस उम्र में दाढ़ी आई। मान लो उनको 18 या 19 साल की उम्र में दाढ़ी आई, तो आप उनसे बोलना कि आपको इस गाल में 18 थप्पड़ लगा है और इस गाल में और 18 थप्पड़ लगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके पापा आपको थप्पड़ मारेंगे, आपके गालों में भी वो बियर्ड उगाने की शक्ति आ जाएगी। पापा तो मुझे थप्पड़ मारने के लिए कभी राजी नहीं होंगे, लेकिन अगर मुझे दाढ़ी उगानी है तो उनको मनाना तो पड़ेगा। पापा मुझे थप्पड़ मारिए, प्लीज मना मत करना। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाते, लेकिन पापा आज आपको मुझे थप्पड़ मारना ही होगा। बेटे सिर्फ थप्पड़ क्यों, मैं तो लात घूंसे सब मारने के लिए रेडी हूँ। पापा तो मुझे थप्पड़ मारने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बता कितने थप्पड़ खाने हैं तुझे? पहले ये बताओ, जब आपको दाढ़ी आई थी तब आप कितने साल? मैं 19 या 20 साल का। हाँ तो आप इस गाल पे 20 थप्पड़ मारिए और इस गाल पे और 20 थप्पड़ मारिए। मतलब मेरी दाढ़ी 20 साल की उम्र में है, इसलिए मुझे तुझे 20 थप्पड़ लगाने। सॉरी, मेरी दाढ़ी 20 की उम्र में नहीं, 40 की उम्र में। लेकिन आपने तो बोला कि 19 या 20 की उम्र में एक बार आई थी, लेकिन मैंने काट दिया। उसके बाद सीधा 40 की उम्र में, तो इस हिसाब से तो अब मुझे तुझे 40 थप्पड़ लगाने होंगे। तीसरा टिप ये कि आप किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जिसको प्रॉपर बियर्ड है और आप अपने गाल को उसके गाल के साथ घिसिए। इससे क्या होगा कि उसके गाल के थोड़े बाल आपके गाल में ट्रांसफर हो जाए। धत्ती, टिप्स किसी काम के नहीं है। हाँ बेटा सुनिए, ये नंबर तेरे पापा को मैसेज कर। झड़ रहे हैं बाल या फिर उगानी है दाढ़ी, देन कॉन्टेक्ट मिस्टर पिछवाड़ी। मिस्टर पिछवाड़ी, आपको तो दिख ही रहा होगा मेरे गालों की कंडीशन, खाली है दोनों गाल, नहीं आते इनमें एक भी बाल। तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे 2 मिनट में मेरी दाढ़ी आ जाए। आप पहले अपनी आंखों में ये पट्टी बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दाढ़ी उगाने के प्रोसेस को देखेंगे तो आप बहुत डर जाएंगे। ठीक है ठीक है, अब आप पट्टी खोल सकते। ये क्या? बियर्ड। लेकिन बियर्ड ऐसा थोड़ी ना होता है, ये ऐसा ऐसा बियर्ड नहीं है, ये एकदम प्योर ब्लैक बियर्ड। अच्छा, बियर्ड बोल के बेवकूफ बना दिया साले ने, पता नहीं क्या लगाया है। और मैं भी कितना बड़ा गधा उसकी बातों में आ गया, और तो साले ने मेरे से 2000 रुपए भी दे लिए। प्योर ब्लैक बियर्ड।
नमस्ते सर, मैं तेलम लीलम कंपनी से आया हूँ। हमारे पास हर तरह का तेल है, बालों में लगाने का तेल है, छालों में लगाने का तेल है, दाढ़ी में लगाने का तेल है, बियर्डल है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बियर्डल लगाऊंगा तो क्या मेरी बियर्ड आएगी? हाँ सर, अगर आप लगाएंगे तो आपको ही तो आएगी, मुझे थोड़ी ना आएगी। लेकिन ये बियर्डल तो तभी लगाते हैं जब आपके गालों में पहले से थोड़ी बियर्ड हो। हाँ, पर हमारी कंपनी का जो बियर्डल है वो आप कभी भी लगा सकते हैं, और लगाने के 2-4 दिन बाद ही आपकी बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी। हाँ तो मुझे ये बियर्डल लेना है। बियर्डल लगा के भी कुछ नहीं। क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? अरे हम वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मिस्ड कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल सब कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज पहचाना मुझे, वो तेलम लीलम कंपनी वाला। यही सोचो ना कि ये सब क्या है, बताता हूँ। मैं तेलम लीलम कंपनी का एक सेल्समैन हूँ और मुझे बियर्ड ऑयल बेचने का काम सौंपा गया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं एक भी बेच नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मैंने फेसबुक पर एक फेक अकाउंट बनाया और उन लड़कों से बात करना शुरू कर दिया जिनको बियर्ड नहीं आती। तो जब वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं बोल देता था कि मुझे बियर्ड वाले लड़के ज्यादा पसंद है और प्रॉपर बियर्ड होनी चाहिए क्योंकि उसको क्लीन शेप लुक बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलने से क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही होगा, और कुछ दिनों बाद मैं बियर्ड ऑयल बेच उनके घर चला जाता। ऐसे करके मैंने सारे बियर्ड ऑयल्स बेच दिए, लेकिन कल मेरे बॉस को इसे पता चल गया और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें ये सरप्राइज दे दूं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ ये मुझे कमेंट करके बताइए, और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाएगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल पर दोबारा जरूर आइएगा।